Hello everyone. Yes, Peter, today we are going to start differentiation of higher order. If y is equals to function of x, then first order derivatives is denoted by dy upon dx or y1 or f dash x or y dash. Okay? Second order derivative is denoted as d square y upon dx square or y2 or f double dash x or y double dash. ऐसे ही थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी होता रहेगा. एक्चुअल में क्या है, y इज इक्वल्स टू fx, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा dy अपॉन dx. अगेन डेरिवेटिव करना है, सपोज करो y इज इक्वल्स टू है अपने पास 2x³, तो dy अपॉन dx क्या आएगा, 6x², अपने को चाहिए d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. तो ये किस तरह से आता है मैं आपको बता देता हूं. d अपॉन dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव. अब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 12x, ये आपका आंसर हो जाएगा. ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अब इसका डेरिवेटिव अगेन करना चाहता हूं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d³ y अपॉन dx³. दिस इंप्लाइज d अपॉन dx ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज d² y अपॉन dx² पुट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन d² y अपॉन dx, दैट इज 12x. डेरिवेटिव ऑफ 12x इज 12 विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 12. ये आपके डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर दैट इज dy अपॉन dx, सेकंड ऑर्डर दैट इज d² y अपॉन dx², थर्ड ऑर्डर दैट इज d³ y अपॉन dx³. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.9 फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, यस बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस वन एंड दिस वन. ओके, तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर वन, ax³ जो भी दिया इसको y कॉल कर लीजिए आप, y ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मींस d² y अपॉन dx² ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. ओके, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx दैट इज 3ax² प्लस 2bx प्लस c, and derivative of d that is constant is 0. Differentiation of 1 with respect to x. अब 1 ये है, इसका with respect to क्या करने जा रहे हैं, हम x करने जा रहे हैं. Means d upon dx of dy upon dx is equals to 6ax plus 2b and derivative of c that is constant. Constant के derivative क्या होने वाला है बेटा, 0 होने वाला है. तो ओवरऑल d² y अपॉन dx² इज 6ax प्लस 2b. दिस इज आवर आंसर बेटा. ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, y is equals to log x plus e की पावर 2x. यस बेटा, डबल डेरिवेटिव करना है. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2. ओके बेटा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इंप्लाइज d² y अपॉन dx² 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, माइनस ऑफ 1 अपॉन x² कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूं. x पावर माइनस 1 है, तो पावर रूल एक बार नेक्स्ट स्टेप में करते हैं. डेरिवेटिव ऑफ x पावर माइनस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2e की पावर 2x. ओके बेटा, माइनस 1 आ गया, x की पावर माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 e की पावर 2x, e की पावर 2x इन डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x दैट इज e की 2x दैट इज 2. ओके, ओवरऑल आंसर इज माइनस 1 अपॉन x² प्लस 2 टू द 4 e की पावर 2x इज आवर आंसर. ये आपका आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का. उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड.
Yes, beta. If x is equals to 4z square plus 5 and y is equals to 6z square plus 7z plus 3, find dy upon dx. Very, very, very important question is this. This one. Y is equals to, question number second, y is equals to 4z square plus, x is equals to 4z square plus 5 and y is equals to 6z square plus 7z plus 3. Okay, तो सबसे पहले हम ये आपको पता लग गया होगा x in the form of z and y is in the form of z. So this function is parametric form. Okay, dx upon dz. That is 8z, dy upon dz, that is 12z plus 7. Therefore, dy upon dx is equals to, dy upon dz is divided by dz upon dx. That is 12z plus 7 upon 8z. Okay, अब हमें derivative करना है, second order derivative. Again differentiation. d square y upon dx square. यहां पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, d upon dx, sorry, d upon dz, क्योंकि जो first derivative है z की form में है, तो यहां पे आएगा dy upon dx into dz upon dx, dz upon dx. ये समझने वाली बात है, बहुत important है, इसको बोलते हैं chain rule. हम डेरिवेटिव y का विद dy by dx का किसकी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, z की रिस्पेक्ट में. रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि यहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ वेरिएबल इज z. ओके, और उसके बाद dz upon dx, dz से dz कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे. हां जी, d upon dz ऑफ 12z plus 7 upon 8z into dz upon dx, that is 1 upon 8z, 1 upon 8z. हाँ जी, यहां पे u भी लगेगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 12 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज प्लस इनटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, 8 इनटू 12 96z माइनस 96z माइनस 56 अपॉन 8z होल क्यूब, क्योंकि 2 पावर ये, 1 पावर ये, तो 8z होल क्यूब आ जाएगा. 96 से 96 आ रहा है, सो आंसर इज माइनस ऑफ 56 अपॉन 8z होल क्यूब. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बेटा. इफ x इज इक्वल्स टू 4z स्क्वायर प्लस 5 एंड y इज इक्वल्स टू 6z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 3. ओके, तो x का डेरिवेटिव आप रिस्पेक्ट में कर सकते हैं z की एंड y का भी z की रिस्पेक्ट में. ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म का है. देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन dz इज डिवाइडेड बाय dx अपॉन dz, सॉरी बेटा, dx अपॉन dz. हां जी, ये वैल्यू आया. अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, बट d अपॉन dz. रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि यो dy अपॉन dx है वो इन द फॉर्म ऑफ z, इसलिए उसका डेरिवेटिव z की रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, इनटू dz अपॉन dx. dx upon dz की वैल्यू 8z है, इसका रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज 1 upon 8z. बस उसके बाद नॉर्मल हमने सॉल्व कर दिया, आपका आंसर क्या है, माइनस 56 upon 8z होल क्यूब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ y इज इक्वल्स टू tangent x plus secant x, प्रूव दैट d square y upon dx square is equals to cos x upon 1 minus sin whole square. Okay, so question third, important question hai beta. Y is equals to tangent x plus secant x, dy upon dx, derivative of tangent x secant square x plus secant x is secant x into tangent x, secant x into tangent x. ओके बेटा, यस, थोड़ा अरेंज कर लीजिए, इसको आप लिख सकते हो 1 बाय cos square x, इसको आप लिख सकते हो 1 upon cos x into sin upon x, sin x upon cos x. तो यहां पे बन जाएगा 1 plus sin x upon cos square x, cos square x. क्लियर है बात, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को समझ आ रहा होगा. अभी ये स्टेप ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस साइन एक्स,
इस cos square को आप 1 minus sin square x लिख सकते हैं. Yes, 1 plus sin x is divided by 1 minus sin x into 1 plus sin x. 1 plus sin x is cancelled out with 1 plus sin x. So, dy upon dx is equals to 1 upon 1 minus sin x is equals to 1 minus sin x whole power minus 1. Whole power minus 1. Again, differentiation with respect to x. This question is very, very important, beta. Okay. Again, differentiation with respect to x. D square y upon dx square minus 1. 1 minus sin x whole power minus 2. ये तो हो गया पावर रूल से. अभी 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का, sin x का, ओवरऑल cos x लेकिन माइनस है तो माइनस रहेगा. तो इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस. यस, माइनस माइनस प्लस cos x अपॉन, ये ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे आगे क्या हो जाने वाली है बेटा, पॉजिटिव हो जाने वाली है. cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर. चेक कर लीजिए, ये आंसर चाहिए था. d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आंसर जिस क्वेश्चन में चाहिए उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप. अगर यहाँ पे रख लेते हैं इसी फॉर्म में, अगर अगेन डेरिवेटिव करते तो आपका आंसर ये नहीं आने वाला था बेटा. ये बात ध्यान रखनी है. इसको हमने कन्वर्ट कर लिया cos square x को 1 minus sin square x में, दैट इज 1 minus sin x एंड 1 plus sin x. 1 plus sin से 1 plus sin कैंसिल आउट हो गया. 1 upon 1 minus sin x, दैट इज 1 minus sin x का होल पावर minus 1. अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. d square y upon dx square is equals to minus 1 upon minus 1 into 1 minus sin x whole power minus 2. And derivative of this function is minus of cos x. Arrangement किया इसको, multiply किया, minus minus plus cos x upon 1 minus sin x का whole square. Okay बेटा, next question. Question number 4. Yes बेटा, question number 4. If y is equals to a sin nx plus b cos nx, prove that d square y upon dx square plus n square y. ये आपको प्रूव करना है बेटा, ये गिवन है और ये प्रूव करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा. dy upon dx a cos nx, sin का cos nx हो गया, into n आएगा बेटा, क्योंकि nx का coefficient n है तो n आएगा. b sin nx, cos का minus sign है तो इसलिए मैंने minus लगा दिया, into n आएगा. dy upon dx, थोड़ा n common ले लीजिए, बाकी फिर इसका फिर derivative करना है क्योंकि हमें second derivative चाहिए. हाँ जी, start कीजिए बेटा. d square y upon dx square, d square y upon dx square, and as it is a derivative cos x is minus sin nx into n, n आएगा बेटा क्योंकि nx का coefficient क्या है, n, minus b cos nx into n, n common आ रहा है और minus 1 भी common आ रहा है, तो minus of n square बोल दीजिए इसको क्योंकि बाहर n बड़ा है. minus of n square a sin nx प्लस बी कॉस एन एक्स. बेटा ध्यान से देखिए, ए साइन एन एक्स प्लस बी कॉस एन एक्स किसकी वैल्यू है, वाई की. किसकी वैल्यू है बेटा, वाई की. तो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन स्केयर वाई, और माइनस का एन स्केयर वाई इधर आगे क्या हो जाने वाला बेटा, प्लस हो जाने वाला. और ये आपका आंसर है बेटा, ये आपका आंसर है बेटा. फिर देख लीजिए, y is equals to a sin nx plus b cos nx, prove that d square y upon dx square plus n square y is equals to 0. So dy upon dx is equals to a cos nx, sin का derivative cos होता है, nx का coefficient n है, तो ये multiply में आ गया. Similarly इसको n common ले लिया, फिर दोबारा derivative किया, minus n वापिस common आ रहा, minus of n square, ये वापिस function बन गया आपका y, तो minus of n square y. This implies d square y upon dx square is equals to minus n square y, और minus वाला shift होगा left side में, तो वो पॉजिटिव हो जाने वाला है. सो ओवरऑल आंसर इज d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. इफ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x,
if y is equals to cos inverse x, find d square y upon dx square in terms of y alone. Y की फॉर्म में आंसर चाहिए, x की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए. इन टर्म्स ऑफ y alone, ओके. तो डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं. dy upon dx minus 1 upon under root of 1 minus x square. सो फर्स्ट डेरिवेटिव क्लियर है बेटा. उम्मीद कर रहा हूं सभी को समझ आ गया होगा. ये तो नॉर्मल फॉर्मूला ही था, उसको कुछ किया ही नहीं हमने इसमें. तो इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ 1 into 1 minus x square whole power minus 1 by 2. Again differentiation, d square y upon dx square. तो power rule minus 1, minus minus plus 1 by 2 हो गया. एक power कम हो जाएगी, that is minus 3 by 2. कितना हो गया minus 3 by 2? 1 upon 2, 1 minus x square whole power 3 by 2. Denominator में आगे positive हो गया. लेकिन ये किस form में आया? d square y upon dx square तो आ गया. In the terms of x आया, वो क्या कह रहा है? In the terms of y alone, सिर्फ y चाहिए, x की availability नहीं चाहिए. Question से चलते हैं हम. Y is equal to क्या है? Cos inverse x. यहाँ से x की value क्या आएगी? Cos y. X is equal to cos y. जहाँ जहाँ x की presence है, वहाँ पे cos y put कर दीजिए, आपका answer हो जाएगा. So d square y upon dx square is equal to 1 upon 2, 1 minus cos square y. Whole power 3 by 2. 1 minus cos square, that is sin square. Sin square y. Whole power 3 by 2. 2 is cancelled out with 2. 1 upon 2 sin cube x. Denominator mein hai beta. Sin cube y. 1 upon 2. 1 upon sin, that is cosecant. So 1 upon 2 into cosecant cube y is our answer. Very 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 important question. फिर explain करता हूँ. If y is equal to cos inverse x, find d square y upon dx square in terms of y alone. dy upon dx is equal to minus of 1 upon under root of 1 minus x square. तो minus 1 into whole power minus 1 by 2. Power rule power आ गई, एक power कम. Derivative हो गया, second derivative done. ये answer आ चुका था, but question में पढ़िए. d square y upon dx square in terms of y alone. सिर्फ y चाहिए, x नहीं चाहिए. So y is equals to cos inverse x, this implies x is equals to cos y. Put कर दिया हमने यहाँ पे value 1 upon 2 up into 1 minus cos square y whole power 3 by 2. 1 minus cos square को क्या बोल सकते हो? sin square की power 3 by 2. 2 से 2 cancel out हो गया, तो sin cube बन गया. 1 upon sin cube को आप क्या लिख सकते हो? cosecant cube y 1 upon 2 as it is. This is our answer.